रोहतक सीआईए वन पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। रोहतक सीआईए वन पुलिस ने एक क्रेटा गिरोह को गिरफ्तार किया है। सीआईए वन प्रभारी इंस्पेक्टर जगवीर सिंह ने बताया कि यह गिरोह रोहतक से क्रेटा चुराकर नेपाल में बेचने का कार्य करता था। इसके मुखिया पवन कुमार को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने उनके कब्जे से 6 गाड़ियां बरामद की हैं। बताया जाता है कि गुड़गांवा, हिसार और झज्जर में भी यह गिरोह लगातार सक्रिय रहा है और यहां से गाड़ियां चुराकर नेपाल भेजने का काम करते थे। इंस्पेक्टर जगबीर का कहना है कि इन्हें गिरफ्तार करने के बाद आज रिमांड पर लिया गया है और आगे की पूछताछ जारी है। काफ़ी समय से शहर के अंदर क्रेटा गाड़ी चोरी हो रही थी। नवी गाड़ी कोई भी शहर में खड़ी करता तो तुरंत ये जो सरगमा हमने पकड़ा है पवन सैनी, ये तुरंत उसको चोरी करवा देता और नया लोग लगाकर इसको आगे 1.25 लाख रुपए में नेपाल में बेचने वाले को दे देता था। ये 10 तारीख को हमने गिरफ्तार किया था, इस पर रिमांड पर चल रहा है। आज इसको दोबारा फिर इसको पेश अदालत करेंगे, रिमांड लेकर नेपाल से कुछ गाड़ियां हमें पता लगी और बरामद करेंगे। तो इसका साथी एक संदीप को भी हमने गिरफ्तार किया, दोनों को पेश किया जाएगा। कितनी गाड़ी करेटा बरामद कर रही हैं? एक ऑल्टो गाड़ी करी है, एक वरना करी है, एक ट्रैक्टर किया, एक बाइक, टोटल हमने 6 गाड़ियां इनसे बरामद की। ये अपने आगे इनके जो साथी थे उनको देते थे। इनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी? हाँ, पीछे भी काफ़ी चोरी के मुकदमे इनके खिलाफ हैं। इन्होंने गुड़गांवा, सोनीपत, झज्जर, हिसार में काफ़ी चोरी की। प्रदेश में वाहन चोरी की वारदातें लगातार पुलिस के लिए सिरदर्द बनी हुई हैं। ऐसे गिरोह की गिरफ्तारी के बाद लगता है कि कुछ समय के लिए इन चोरियों पर लगाम लगेगी। गरिमा टाइम्स की खास रिपोर्ट।